बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज़त में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ होता है। अगर हमारे यहाँ कोई बर्थडे पार्टीज़ प्लान हो रही है, कोई गेट टुगेदर है, कोई इवेंट प्लान हो रहा होता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि जी खाने में क्या है, मेन्यू क्या है। इसके अलावा अगर हमें किसी से मिलना होता है, हम कोई मीटिंग्स प्लान कर रहे होते हैं, तो उसमें भी खाने का बहाना आ जाता है। हम हाई टी पर मिल लेते हैं, कॉफ़ी पर चले जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे कराची के लोग हैं, उनको बाहर नाश्ता करने का भी बहुत शौक़ होता है। डिफरेंट तरह के नाश्ते अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और सुबह सुबह लोग जाते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं। हमारी अगर यंग जनरेशन की बात की जाए तो उनका रुझान आजकल फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा है। तो हमारा ये प्रोग्राम है रिवायतों की लज़त, इसमें हम अपनी रिवायतों को बरकरार रखते हुए वो जो चीज़ हमारी डेली रूटीन में मिस की जाती है उसको हम ख्याल में रखते हुए वो रेसिपीज़ जो हमारी नानी और दादी के ज़माने में पहले बनाया जाती थी, तो वो हम आपके लिए अपने इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज की जो हमारी शेफ़ हैं उनसे पूछते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अनम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनम आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। तो आज आप हमारे इस किचन में क्या बनाएंगी, क्या बना के खिला रही हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी। ओके। बेसिकली हम लोग जो पूरी फैमिली गेट टुगेदर करते हैं हाईवे साइड पे, ढाबा स्टाइल जो हम बाहर खाना पसंद करते हैं, उसको हम ऐसे ही एज इट इज़ घर में ही बनाएंगे, ताकि आप जब बहुत ज़्यादा अगर आपका दिल चाह भी रहा है खाने के लिए तो आप बाहर नहीं जाएं, आप घर में भी उसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वैसे भी अगर देखा जाए, एशियन कुजीन है, एशियन कुजीन से रिलेट करती है। और देखा जाए तो हमारे जो देसी खाने होते हैं तो सबसे पहले उसमें हांडी या कढ़ाई इसी तरह की चीजें आती हैं जो आजकल हमारे लोगों को बहुत पसंद है। तो हम हाईवेज की रौनक भी है, हम वहाँ जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने यही डिश क्यों चूज की? ये इसलिए मैंने चूज की है कि एक तो टाइम हमारे पास कम होता है, टाइम शॉर्टेज, तो इसलिए हमने यही चूज की है। और इसमें जो स्पाइसेस आपके जाएंगे वो भी बहुत कम जाएंगे, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। टाइम चूंकि हमारे पास कम है तो हमने आपने सोचा कि हम जैसे घर में कोई रेसिपी बता दें, जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए, अचानक से कुछ भी होता है तो आपके पास कुछ चीज़ें समटाइम अवेलेबल नहीं होती हैं, और जो होता है तो फिर आपको समझ नहीं आता है अब हमें क्या बनाना है। तो ये बहुत इजी क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाती है। वाली बात है, हाँ। घर में जो अवेलेबल हाँ। है बस उसी में बना। टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। okay. और चीजें भी आपके पास घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। अच्छा, रेसिपी के साथ साथ हम थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे कि ये जो है इसका जो फ्लेवर होता है हांडी का, थोड़ा सा माइल्ड होता है दूसरे जो हमारे एशियन कुजीन में जो खाने बनते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि वो थोड़े से स्पाइसेस होते हैं उसमें, कढ़ाई भी बहुत स्पाइसी होती है, ये थोड़ी सी माइल्ड होती है, इसीलिए इसमें ना क्रीम और योगर्ट का भी यूज होता है। और फिर इसको हम जो है वो मट्टी के बर्तन में सर्व करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन जब इसकी करेंगे तो हम इसको मट्टी के पॉट में ही करेंगे, कि जब हांडी की बात कर रहे हैं तो वो कढ़ाई में सर्व करती हुई अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ये हांडी के साथ आप अगर वो तिल वाले कुलचे वगैरह यूज करें तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारी भी ऐसी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह फूडी है, तो इस मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और स्पाइसेस तो हम अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपको अगर माइल्ड चाहिए तो आप माइल्ड बनाएं, और अगर आपको ज्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप अपने हिसाब से डाल दें। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे? नहीं, चिकन मैरिनेट नहीं होगी इसमें। सबसे पहले हम तो आप फ्लेम ऑन करेंगे। ओके, सबसे पहले अब इसमें हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके। कुकिंग तो माशाल्लाह सभी कर रहे होते हैं, मगर चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको साथ साथ ख्याल भी रखना पड़ता है, अपनी हेल्थ का भी, क्योंकि खाने के साथ साथ जरूरी है हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज कितनी मौजूद है, ताकि फिर हम जब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं रहती तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। बिल्कुल। अब इसमें हम 1 कप
जो है ना वन मीडियम स्लाइस अनियन जो कट की हुई है वो ऐड ऑन करेंगे इसमें हम। ओके, एक मीडियम साइज की अनियन लिया आपने और उसको स्लाइस कट किया है, इसको थोड़ा सा 1 to 2 मिनट्स हम इसको सोटे करेंगे। ओके, देन इसमें वन बाय वन हम स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। पहले हम चिकन डालेंगे, जब चिकन हमारी वाइट हो जाएगी तब सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे हम इसमें। अच्छा, अनियन को कितना फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए, जैसे सॉफ्ट हो जाए, वाइट माइल्ड जो होती है चिकन हमारी वैसे। ऑलराइट, ठीक है ठीक है। तो खाने का शौक, वैसे आपको कैसे खाना बनाने का शौक पैदा हुआ? खाना बचपन से ही शौकीन थी? नहीं, बचपन से नहीं थी, शादी के बाद ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है खाने का, हम और फिर साथ साथ मुझे भी रहा फूडी हम तो माशाल्लाह। और जब भी बच्चों की वेकेशन आती है तो नॉर्दर्न एरियाज़ पे हम जाते हैं, नई नई फूड जो है वो एक्सप्लोर करते हैं हम, तो हर चीज का एक अलग ही टेस्ट है, अलग ही मजा है। और फिर वो जब नई नई डिशेस आप ट्राई करते हैं तो आपको दिल भी करता होगा जी, कि जी, जब आपके घर में खाने वाले शौकीन हो ना तो फिर आपको खुद दिल चाहता है आप नई नई रेसिपीज इन्हें बनाए ट्राई करें घर में। ठीक है, और कुकिंग जो है वो तो मैं माशाल्लाह वैसे ही 14 इयर्स से कर रही हूँ। ओह माशाल्लाह, तो हस्बैंड भी कुकिंग कर लेते हैं? हाँ, सम टाइम। अच्छा, कभी कभी तो खाना अच्छा बनता है या बस ऐसे ही? नहीं, खाना तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बिरयानी वगैरह और ये कढ़ाई और इस टाइप की चीज़ें, उर्दू स्पीकिंग में ज़्यादातर स्पाइसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और मैं बिलोंग करती हूँ पश्तून फैमिली से, तो हमारे यहाँ जो है वो इतने ज्यादा स्पाइसेस यूज नहीं होते, खाते सब कुछ है लेकिन बट स्पाइस का इतना यूज नहीं होता। हाँ, ज्यादा यूज नहीं होता, तभी कहते हैं ना कि वो मिर्च मसाले कम खाते हैं, चटपटा खाना नहीं खाते, तो उनके कलर भी फेयर होते हैं बहुत ही। ठीक है, तो ये अनियन समटाइम हम स्पाइसेस खाते तो बहुत ज्यादा है बट स्पाइसेस खाने से आपको फिर नुकसान भी उतने ही होते हैं। बिल्कुल, नुकसान तो होते हैं, हर चीज को लिमिट में खाना चाहिए। हर चीज लिमिट में खानी चाहिए, खाएं सब कुछ लेकिन लिमिट में खाएं। लिमिट में खाएं। अभी हमारी, अभी इस पॉइंट पे हम इसमें जो चिकन हमारी कटी हुई है बोनलेस चिकन ये ऐड करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो चिकन इसमें ऐड करते हैं, हाफ के जी चिकन लिए, चिकन इसमें ऐड करते हैं और चिकन को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जब तक हम चिकन को फ्राई करते हैं आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मजीद बताएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिवायतों की लज्जत की किचन में आज बन रही है चिकन हांडी। तो चिकन हमने इसमें ऐड किया था, इसका कलर चेंज हो गया। अब इस पॉइंट पे हम जो हमारे पास 2 मीडियम स्लाइस टमेटोज थे हमने कट किए हुए थे, अब इसमें हम वो ऐड करेंगे। ओके, टमेटोज ऐड करेंगे, टमेटोज थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम और स्पाइसेस इस पे डालेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बता रही थी कि आप लोग बहुत ज्यादा चटपटा खाना नहीं खाते, इतने ज्यादा स्पाइसेस नहीं यूज करते, तो जब आप बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो हमारे यहाँ का जो खाना है वो तो बहुत चटखारेदार होता है, तो फिर कैसा लगता है? अब आदत हो गई है, अब आदत हो गई आपकी टेस्ट बट पे, फिर वो करता है, सब डिपेंड करता है आपको, जैसे आप जो जो चीजें खाते रहते हैं तो फिर आपका टेस्ट बट भी जो है वैसे ही इनहेंस होते जाते हैं स्पाइसेस से। जब गेस्ट आते हैं आपके घर में तो खाना आप ही बनाती हैं या आप अपने हस्बैंड से कहती हैं कि नहीं मैं माशाल्लाह मैं कर लेती हूँ, मेरे घर जब वो आते हैं मेहमान तो फिर मैं पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ जो मुझे पता होता है कि हेल्प तो करवाते होंगे। हाँ, समटाइम ये ग्रोसरी लाने में और इसमें जो है वो करवा लेते हैं हेल्प, बट मैं ही करती हूँ ज़्यादातर कुकिंग। 2.5 टेबल स्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। ओके, रेड चिली पाउडर 2.5 स्पून। ओके, यहाँ से टेबल टीस्पून दे दें मुझे, ये ले 1 टीस्पून हम इसमें ट्यूमरिक पाउडर ऐड करेंगे। ओके, ठीक है, लिटिल बिट 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसमें हम क्रश किया हुआ भुना हुआ क्रश किया हुआ कोरिएंडर। ओके, इसको भून के क्रश कर लिया है। जब आप मसाले भून के वो करते हैं तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसको अगर हमें यूज करना हो घर में तो हम इसको कूट के रख भी सकते हैं। हाँ, कूट के रख दें, अभी भी तो वैसे भी आगे रमजान आ रहे हैं तो आप इसको पहले से जो मसाले हैं आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखें तो वो आपके लिए कुकिंग करने में बहुत ईजी रहता है।
अब इसको यहाँ हम ढक देंगे 3 to 5 मिनट्स ओके के लिए। चिकन को वैसे इतना टाइम लगता नहीं है तो जल्दी हाँ, कुक हो जाएगी। चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी हो जाती है, अगर बोनलेस हो तो वैसे ही इजीली हो जाता है कुकिंग करना। कौन सी ऐसी डिश है मुझे बताएं कि जो घर पे फरमाइश होती है कि भाई वीकेंड है छुट्टी है तो आप हमें ये बना के खिलाएं। हमारे यहाँ तो ज्यादातर बिरयानी खाई जाती है, मेरे बीफ बिरयानी में बहुत जबरदस्त बनाती हूँ और माशाल्लाह कुकिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादा जो तरजीह आती है वो बिरयानी की होती है। इसके अलावा और क्या क्या बना लेती है? इसके अलावा झटपट सी रेसिपी, जो झटपट सी है, फिश करी हो गया है, स्ट्यू हो गया है, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज है, सब माशाल्लाह मैं इजीली कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। जी जी। और कभी ऐसा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, जैसे आप कहती हैं कि हम डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिफरेंट डिशेस ट्राई करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, वो भी घर में ट्राई करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो एक्सपेरिमेंट करते करते फेल हो गया और थोड़ा सा ऐसा लगता है? सम टाइम होता है और सम टाइम ऐसा नहीं भी होता। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई चीज आपकी प्रैक्टिस में रहती है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल इजीली हो जाता है, कोई चीज आपके लिए टफ नहीं है। और जब कभी कोई ऐसी मुश्किल से डिश होती है और आप फेल हो जाएं तो फिर क्या करते हैं उसके ऊपर? उसको दोबारा ट्राई करते हैं, कहते हैं कि नहीं बस नहीं फिर दोबारा करते हैं ताकि मजीद और अच्छी हो। ओके ओके। जब आपको खुद भी दिल चाहता है कुकिंग का और खाने का भी दिल करता है तो फिर आपको मजा आता है इस चीज में, आपको जो है बर्डन नहीं फील होता, आप इजीली कर सकते हैं उसको मजे से। कुकिंग को आपको एंजॉय करके जब दिल से पकाएंगे तो फिर आपकी चीज भी वैसे ही पकती है। बिल्कुल। और घर पे खाने वाले भी होने चाहिए और जब आप फूडी होते हैं और घर वाले भी फूडी हो तो खाना बनाने का भी उतना ही मजा आता है। चिकन बन रही है, जब तक हम यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रिवायतों की लज्जत में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं शेफ अनम जी। तो चिकन हांडी बन रही थी, अब बताएं कहां तक पहुंची और क्या ऐड करना है हमने इसमें? अच्छा, अब चिकन हमारी थोड़ी सी कुक हो गई तो अब हम इस पॉइंट पे हम इसमें जो दही रखा हुआ था 1 कप हमने पहले 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया था ताकि हमारी ब्रेक में हम गए थे तो हमने थोड़ा सा दही ऐड किया था, बाकी दही हम आपके सामने ऐड करके आपको बताएंगे। जी। तो इसकी 1 कप क्वांटिटी थी ना? जी जी, 1 कप इसकी क्वांटिटी थी। ओके, 200 or 250 grams। जी जी। ओके ठीक है। कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका टेक्सचर, इससे पता चल रहा है कि कितनी मज़े की ये चिकन हांडी होगी। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम इसमें जो है वो बटर ऐड करेंगे। ओके, बटर भी ऐड करेंगे जी, बटर भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें बटर जाएगा। वाओ जबरदस्त। और क्रीम जो है वो हम लास्ट में डालेंगे जब हमारी चिकन थोड़ी सी कुक हो जाए। ओके, चिकन में टाइम है भी? हाँ, 1 से 2 मिनट और लगेंगे हमें। ओके ठीक है, होने में ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि ऊपर से कुक हो चुकी होती है, अंदर से नहीं होती, वो खाने में फिर वो मजा नहीं आता है। अच्छा, ये आपने बोनलेस चिकन ली है, इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे? हाँ, इसको लो टू हाई मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे बने के रखेंगे। तो आपने ये जो रेसिपी बताई है चिकन हांडी की, तो ऑब्वियसली चिकन हांडी हमारे यहाँ बोनलेस ही खाई जाती है, तो क्या अगर बोन्स के साथ किसी को बनानी हो तो वो बना सकता है सेम प्रोसीजर के साथ? हाँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको बोन्स वाली पसंद है या बोनलेस, लेकिन अगर आप बोनलेस यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप हर निवाले में आप बोन्स निकाल रहे हो तो फिर वो मजा नहीं आता खाने का। कुछ चीजें जो है वो यही छोटी छोटी चीजें अगर जिनका हम ख्याल रखा जाए। कढ़ाई जब हम बनाते हैं तो कढ़ाई आप बोनलेस नहीं बना सकते, कढ़ाई में आप बोन ही यूज करेंगे। हर निवाले में हम बोन नहीं हटा सकते, और जो बहुत ज्यादा फूडी होते हैं उनका मतलब खाने पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है कि वो कहते हैं कि बस बोन वो ना हो, बोनलेस हो ठीक है, इजी। वो फिर वो हर निवाले में एक अजीब सा फ्लेवर आता है ना बोन बंदा निकाल निकाल के, जैसे फिश के साथ होता है, तो फ्राई भी फिश अलग होती है, सालन में अलग टाइप की बनती है, और बिरयानी में आप अलग यूज कर रहे होते हैं, तो हर चीज का एक अलग डिफरेंट मेथड होता है कुकिंग का। ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, बहुत जरूरी है हेल्थ। जो आजकल हमारे जो यंग जनरेशन है जो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाती है,
तो उनमें ये सारे मसाइल बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। हम इसलिए ऐसी रेसिपीज आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आप घर में ही इजीली उसको कुक करें, इजीली खाएं। जैसे बर्गर हो गए, बच्चे बहुत शौकीन होते हैं बर्गर्स के, पिज़्ज़ा के, तो आप घर में ही बनाएं। एक तो आपको बहुत बर्डन नहीं पड़ता और आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, और हाइजीन का भी, और हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है घर में। सफाई सुथराई के साथ घर में उन रेसिपीज को जो आप रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं बना सकते हैं। तो कहाँ तक पहुँची अनम आपकी रेसिपी? हमारी चिकन कुक हो चुकी है, अभी हम इस पॉइंट पे इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे 1 कप। ठीक है, तो हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं और इसको कितनी देर तक? क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे जो है 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। चिकन में हम क्रीम ऐड कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करना है, जब तक आप लोग रेसिपी कार्ड देखें। बोनलेस चिकन हांडी, अज्जा, तेल 1 कप, बोनलेस चिकन 1/2 किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 3 अदद, नमक हसब ज़रूरत, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पिसा हुआ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, दही 1/2 कप, फ्रेश क्रीम 1 कप, मक्खन 2 खाने के चम्मच, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरा धनिया 1 गड्डी। तरकीब, कढ़ाई में 1 कप तेल गरम होने के बाद मीडियम बारीक कटी हुई प्याज को शामिल करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जब प्याज सफ़ेद माइल हो जाए तो इसमें बोनलेस चिकन और नमक शामिल करके 5 मिनट तक भूनेंगे, और जब चिकन सफ़ेद होने लगे तो इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ धनिया और दही शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन गल जाए तो इसमें फ्रेश क्रीम, कसूरी मेथी, मक्खन और हरी मिर्च शामिल करके मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। आखिर में पकी हुई चिकन को 1 अदद मिट्टी की हांडी में डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक, मक्खन और बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करके पेश करेंगे। मज़ेदार बोनलेस चिकन हांडी तैयार है। जी, तो आप लोगों ने रेसिपी कार्ड देख लिया, अब अनम से पूछते हैं कि आगे हमने इसमें क्या ऐड करना है। अच्छा, हम जो ग्रीन चिली है वैसे तो हम बड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने छोटी ली है। ओके, तो छोटी तो वैसे ही बहुत तेज़ होती है, तो आप 3 to 4 जो है वो ग्रीन चिली स्लाइस में कट की हुई वो ऐड करेंगे। ओके, इसको चॉप करके आप ऐड कर लेंगे और इसको कितनी देर कुक करना है? बस ये हो गया? बस हाँ, ये हमारा कुक हो गया, अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं मिट्टी के पॉट में। ये पॉट मैं आपको दे देती हूँ जिसमें आपने डिश आउट करना है। जी बिल्कुल, यहाँ स्पेस कर देते हैं। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू। तो ये जनाब चिकन हांडी जो है उसको हमने डिश आउट कर लिया है मिट्टी के पॉट में। अब हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें हम बटर ऐड करेंगे, और बटर ऐड करेंगे ऊपर से ताकि वो अच्छा लगे। और जूलियन कट की हुई जिंजर, ये टिश्यू पे मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि खाने और को ग्रीन कोरिएंडर, खाने को खाने से पहले उसको देखा जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है। बिल्कुल। तो जनाब हमने इसमें कोरिएंडर, जिंजर ये और बटर के साथ इसको हमने गार्निश कर लिया। जी, तो हमारी आज की चिकन हांडी तैयार है। तो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बीफ और मटन में भी बन सकती हैं? बीफ और मटन में डिफरेंट रेसिपीज़ बन सकती हैं, अब डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना ज़्यादा पसंद है। मिट्टी के पॉट में, मिट्टी के पॉट में आप स्ट्यू बना लें, कढ़ाई भी बन सकती है, लेकिन वो आपकी फ्लेम जो आप गैस पे यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम यहाँ यूज़ करते हैं उसमें मिट्टी के पॉट को जो है वो फटने का बहुत डर होता है, समटाइम बहुत सारे ब्लेंडर्स हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गांव साइड पे जो हम ढाबे वगैरह पे जो हमारी कुकिंग हो रही होती है वो चारकोल को जो है वो गर्म करके उस पे हमारी कुकिंग होती है मिट्टी के पॉट पे। और ज़्यादातर जब ढाबे हाईवेज पे जो हमारी कुकिंग होती है वो कढ़ाई ही यूज़ करते हैं, जब वो सर्विंग
कप मेथड आता है तो वो आपको पॉट में सर्व पॉट करके में देते सर्व हैं। करते हैं ताकि जी, जी। एक वो जो है चिकन हांडी हाँ। वाला जो फ्लेवर हाँ, है वो भी आ जाए। ठीक है, तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि चिकन हांडी हमने बनाई है तो हम इसको फिश में भी ट्राई कर सकते हैं? फिश में नहीं कर सकते क्योंकि फिश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। फिश में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, फिश में आपको 10-15 मिनट्स होते हैं कुकिंग के। लेकिन फिश में फिर इतना लंबा मेथड नहीं होगा। हाँ, इतना लॉन्ग तो प्रोसीजर नहीं होता लेकिन फिश की हांडी कभी सुनी नहीं है, आप ट्राई कर सकती है। भाई जो खाने के शौकीन होते हैं वो तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल, जो फूड लवर्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब चूंकि ख़त्म हो रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इस प्रोग्राम में आई। आप मुझे बताएं कि आपको आके कैसा लगा? जी मुझे आके यहाँ पे ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा, आपकी पूरी टीम और आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है इसमें, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम मुझसे जो हो सकेगा जब आप बुलाएंगे तो हम आपको इसी तरह की नई नई रेसिपीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो शॉर्ट टाइम में आप इजीली कुक करें। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद थी अनम जो कि कुकिंग एक्सपर्ट थी, उन्होंने बहुत मज़े की चिकन हांडी हमें आज बनाना सिखाई और हमारे स्टूडियो में बनाकर दिखाई है। तो नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर उनको ज़हमत देंगे कि हमें कोई और सीक्रेट रेसिपी बनाकर सिखाएं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही था जो कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर से आपसे मिलेंगे नए शेफ के साथ, नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।